किसके पास है ये इल्म? कुरान कह रहा है रबी से कि तुम हर कौम के लिए मुंजर है, तुम्हें हमने नजीर यानी तुम इनको डराओ, इनको ये होगा, और हर कौम के लिए हलादी भी है। अब आप अंजार देने वाले हैं, हादी कौन है इस कौम का? अब इमाम इनसे अलग थोड़ी है, यानी वो जो रसूल को खुदा ने नूर बना के दुनिया में भेजा बशरियत के लिबादे में, अब इसी नूर में कंटिन्यू होना था ना, ये नूर कैसे जाएगा? अब खुदा ने इसी निज़ाम को, अपने निज़ाम को इमामत के जरिए से भेजा। पांचवे इमाम फरमाते हैं कि जब हजरत मूसा उस्ताद की तलाश में गए, और वो वाकया तो नहीं है, मेरा मुझे आज पढ़ना था लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया, तो उन्होंने एक सवाल अपने उस्ताद से किया जो उनके उस्ताद थे, तो उस्ताद जवाब ना दे सके, और एक सवाल उस्ताद ने हजरत मूसा से किया तो हजरत मूसा जवाब नहीं दे पाए। पांचवे इमाम कहते हैं मैं वो जवाब भी जानता हूँ और इसका जवाब भी जानता हूँ। क्यों? इल्म किताब का इन्हीं के पास है। अना मदीनतुल इल्म व अलीम वो। अब यहां तक तो इज़्ज़ाने मोहतरम आपने बड़े नारे लगा लिए, ठीक है, अब आप इल्म के दरवाजे को बड़ा मानते हैं, इल्म का दरवाजा है, इल्म नॉलेज डोर है ये, ठीक है। अब नॉलेज डोर के मानने वालों का कितना इल्म है? नहजुल बलागा में खुतबे कितने हैं? नहजुल बलागा में नामे कितने हैं? कलमतुल इख्तिसार कितने हैं? तो शायद मैं वहाँ गुफ्तगु नहीं कर रहा जहाँ इल्म के दरवाजे को मानने वाले बैठे हैं, मेरे ख्याल में जो लाइव देख रहे हैं मैं उनसे गुफ्तगु कर रहा हूँ। कैसी मोहब्बत है, मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ के निकल रहे हैं मौला, देखा पीछे कोई आ रहा है, इब्ने अब्बास से रवायत है, कहा कौन? कहा मौला आपकी शिया, मौला करीब आए, ऊपर से नीचे देखने लगे, कहा मौला क्या देख रहे हैं? कहा तुमने कहा मेरे शिया, मैं शिया की निशानियां ढूंढ रहा हूं। इल्म का दरवाजा, इल्म कितना है? कम से कम ये इल्म तो ले लेते, थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, एक साल में कितना पढ़ते हैं नहजुल बलागा, कितना नहजुल बलागा है, उससे हम लेते क्या? उसकी तस्वीरें पढ़ी हैं आज तक, किसने इतनी तस्वीरें लिखी, कैसे पहुंचेंगे?